नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक्सेल फंक्शंस। कई एग्जाम हैं जिसमें एक्सेल के फंक्शन पूछे जाते हैं, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले एक कॉल लगाना ज़रूरी होता है। एक कॉल लगाने बाद में फंक्शन स्टार्ट होता है, फिर फंक्शन का जो नेम है वो नेम आता है, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट में उसकी जो रेंज होती है रेंज लिख के ब्रैकेट क्लोज किया जाता है। अब हम मोस्ट फंक्शंस की बात करते हैं, जिसमें हम वीडियो में दिखा रहे हैं फंक्शंस और मेंस, यानी कौन कौन से फंक्शन हैं और उनका क्या मतलब है, यानी क्या यूज होगा। जिसमें पहला फंक्शन है इक्वल क्लीन ब्रैकेट ओपन टैक्सेल और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है नॉन प्रिंटेबल जो टैक्स है उसको हटाने के लिए इस फंक्शन का यूज लेते हैं। फिर दूसरा फंक्शन आता है इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है मल्टी सेल में जो संख्या लिखी हुई है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए इस फंक्शन का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद में सम फंक्शन इक्वल सम ब्रैकेट ओपन सेल रेंज और ब्रैकेट क्लोज, यानी मल्टीपल सेल्स को अपन टोटल करने के लिए यूज लेते हैं। मल्टीपल सेल में जो संख्या लिखी हुई है उनको टोटल किया जाता है इसके द्वारा। फिर अगला फंक्शन आता है इक्वल कॉनकैटेनेट ब्रैकेट ओपन सेल फर्स्ट कोमा सेल सेकंड कोमा सेल थ्री, या अदर और भी सेल लेनी हो ऐसे अपन कोमा लगा के ले सकते हैं और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। इस फंक्शन के द्वारा अलग अलग सेलों में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उनको एक सेल में मर्ज करने के लिए उपयोग करते हैं। अगला फंक्शन आता है इक्वल ट्रिम और टैक्स सेल ब्रैकेट क्लोज। ट्रिम का यूज होता है किसी सेल में जो टैक्स लिखा हुआ है और टैक्स के बीच में जितना ही स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस है उसको इसके द्वारा रिमूव किया जाता है, यानी डुप्लीकेट स्पेस को हटाया जाता है। इससे अगला आता है इक्वल रोमन और ब्रैकेट ओपन सेल ब्रैकेट क्लोज। इसके द्वारा जो संख्या होती है उसको हम रोमन भाषा में बदल सकते हैं। फंक्शन है इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन सेल ब्रैकेट क्लोज। जो सेल में टैक्स लिखा होता है उसको स्मॉल एबीसीडी यानी स्मॉल टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग करते हैं। फिर दूसरा है इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन सेल ब्रैकेट क्लोज। इसमें जो सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कैपिटल साइज में लिखने के लिए उपयोग करते हैं। अगला फंक्शन है इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन सेल ब्रैकेट क्लोज। इसका हम उपयोग टैक्स जो लिखा होता है उसके पहले अक्षर को बड़ा और टैक्स को छोटा लिखने के लिए उपयोग करते हैं। अगला फंक्शन एड एंड। एंड जैसे एक फॉर्मूला होता है रिजल्ट का, तो एंड के द्वारा हम किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना चाहें तो रिजल्ट निकाल सकते हैं फेल पास, और से भी हम अथवा में देख सकते हैं डेटा, नोट इफ, ये सभी कंडीशनल फंक्शंस हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इक्वल पावर ब्रैकेट ओपन नंबर कोमा पावर क्लोज। इसका मतलब होता है जो हम संख्या लिखते हैं इसमें, और पावर का मतलब कितने बार इंटू करना उसको। जैसे एग्जांपल 2 की घात 10, तो 2 नंबर हो गया और 10 पावर हो गई, तो इसका हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे हम 10 बार 2 लिखेंगे और 2 को 2 से इंटू करेंगे, 4 को 2 से, 8 को 2 से, इस प्रकार उसके हो जाएंगे 1024। तो ये काम आता है पावर फंक्शन। अगला है एस क्यू आर टी ब्रैकेट ओपन सेल ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम नंबर्स लिखते हैं सेल में। एस क्यू आर टी का मतलब होता है जैसे 9 संख्या है और उसको हम एस क्यू आर टी करेंगे तो उसका आंसर आएगा 3, यानी वर्गमूल। अगला है इक्वल मोड ब्रैकेट ओपन न्यूमेरिक संख्या कोमा डिवीजर यानी शेषफल,
और ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं और जो संख्या बच जाती है वो इसका आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल मोड ब्रैकेट ओपन 10, 3 ब्रैकेट क्लोज, इसका आंसर आएगा 1, यानी 3 × 3 = 9 और 1 बच गया। अगला है इक्वल एबीएस ब्रैकेट ओपन नंबर ब्रैकेट क्लोज। यदि हम जो संख्या लिखते हैं, यदि माइनस में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसको पॉजिटिव में ही बदल सकते हैं। जैसे इक्वल एबीएस ब्रैकेट ओपन -25 ब्रैकेट क्लोज, इसका आंसर आएगा 25 प्लस में। इसके बाद में आता है इक्वल इवन ब्रैकेट ओपन नंबर ब्रैकेट क्लोज, इसका नंबर को इमिटेंट क्लोज करने के लिए उपयोग करते हैं। अगला इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन टैक्सेल कोमा नंबर ऑफ करेक्टर ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब होता है सेल में जो संख्या लिखी हुई है उसमें से कितने करेक्टर हमको लेफ्ट साइड के लेने हैं। जैसे सपोज करो इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन राम शर्मा ब्रैकेट कोमा 5 ब्रैकेट क्लोज, तो इसका जो आंसर आएगा आर एम राम स्पेस एस, यानी लेफ्ट साइड से 5 टेक्स्ट लेके और को काट देगा। ऐसे ही राइट का यूज होता है, ये राइट साइड से लेगा 5 संख्या जो हम संख्या डालेंगे और लेफ्ट साइड से काट देगा। इसके बाद में अगला आता है इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन वैल्यू कोमा टेबल कोमा इंडेक्स नंबर कोमा अप्रोक्सीमेट मैच और ब्रैकेट क्लोज, इससे हम संख्या को सर्च कर सकते हैं, यानी कोई टेक्स्ट है उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगला है इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन नंबर कोमा डिजिट ब्रैकेट क्लोज, यानी किसी संख्या को राउंड ऑफ करना हो तो हम इसके फंक्शन को उपयोग कर सकते हैं। अगला आता है इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन नम वन कोमा नम टू ब्रैकेट क्लोज, यानी मीन्स सेल रेंज। यदि हम मल्टीपल सेल में से मैक्सिमम संख्या चेक करना चाहते हैं तो इसके द्वारा हम मैक्सिमम संख्या चेक कर सकते हैं, और मिनिमम चेक करना हो कि सेल की संख्या तो MIN से हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है एवरेज, एवरेज से हम औसत निकाल सकते हैं। अगला फंक्शन आता है काउंट, काउंट से हम कितनी सेलेक्ट की हैं उन सेल को काउंट कर सकते हैं। फिर आता है काउंट इफ, काउंट इफ का मतलब किसी फिक्स संख्या को, वह संख्या किस किस सेल में है उन सेल को काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कोमा क्राइटेरिया ब्रैकेट क्लोज, जैसे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम किस किस को सेल को सेलेक्ट करना है, फिर कोमा लगाएंगे, संख्या ले ली जैसे 65, अब जिस जिस सेल में 65 होगा वो सेल काउंट करके आपको दिखा देगा। अगला फंक्शन आता है इक्वल रेट ब्रैकेट ओपन नंबर पेमेंट पेमेंट पीवी कोमा एफवी कोमा टाइप कोमा एस्टिमेट ब्रैकेट क्लोज, यानी जो हमारी रेट है वो इसमें शो कर देगा इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा एफवी में फ्यूचर वैल्यू शो कर देगा, पीवी में प्रेजेंट वैल्यू शो कर देगा। फ्यूचर वैल्यू का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पॉलिसी जमा करा रहे हैं, पॉलिसी में 1000 रुपये महीने के जा रहे हैं, 10 साल की पॉलिसी है, अब 10 साल बाद में हमें कितना पेमेंट मिलेगा वो आप एफ के द्वारा चेक कर सकते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हो गया यदि आपने किसी को जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमने कोई लोन उठाया है, लोन की किस्त 1000 रुपये मंथ जा रही है, तो हम ये देख सकते हैं कि लोन कितने का था, वो हम देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू से। फिर आता है NPR, हम इसके द्वारा NPR चेक कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट की। फिर आता है PMT, मूलधन, इससे हम मूलधन चेक कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी वीडियो कंप्लीट हुई और जो एक्सेल के मोस्ट फंक्शंस हैं वो कंप्लीट हुए। धन्यवाद मित्रों। एक लड़का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में बेल का चिन्ह दिखाई देगा, बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। आगे हम कंप्यूटर जो भी वीडियोज़ बनाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।